प्रदेश शासन होश में हो। डॉक्टर्स की कमी नहीं, वैकेंसी की मार है। गैर हितैषी है सरकार, जब जब छात्र बोला है सिंहासन बोला है, जब जब छात्र बोला है सिंहासन बोला है। सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। मध्य प्रदेश शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। डॉक्टर्स की कमी नहीं, वैकेंसी की मार है। हम हमारा हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। गैर हितैषी है सरकार, किसी चिकित्सा नहीं कर रहा है। हम हमारा हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। जब जब छात्र बोला है सिंहासन बोला है। हम हमारा हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। वेटनेरियंस की यही पुकार, वेटनेरियंस की यही पुकार। मध्य प्रदेश शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। डॉक्टर्स की कमी नहीं, वैकेंसी की मार है। हम हमारा हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। आपकी क्या मांगे हैं और आपकी क्या सुविधाएं होती हैं जिसे सरकार से ही आप में हड़ताल में बैठे हुए हैं? हमारी चार साधारण सी मांगे हैं। पहली तो ये है कि जो हमारे जो पद हैं वेटनरी ऑफिसर्स की जो पद हैं पूरे एमपी में, वो कुल 1671 हैं। तो हम उसे चाहते हैं कि वो बढ़कर 7000 किए जाएँ। उसका कारण ये है कि 5000 पशुओं पर एक पशु चिकित्सक होना चाहिए। बल्कि हकीकत यह है आज के टाइम की कि 18,500 पशुओं पे एक चिकित्सक है। तो ये हमारा कारण है कि वैकेंसीज को बढ़ा के 1671 से 7000 किया जाए और उसको नियमित रूप से हर वर्ष निकाला जाए ताकि कोई भी स्टूडेंट बेरोजगार ना बैठे। दूसरी हमारी मांग ये है कि जो निजीकरण का प्रस्ताव रखा गया है सरकार की तरफ से, उसे रोका जाए। उसका कारण ये है कि कई 2000 छात्र पहले से ही बेरोजगार बैठे हैं और अब और नए वेटनरी कॉलेज खोलने से और बेरोजगारी बढ़ेगी, ना कि रोजगार बढ़ेगा। और हमारी तीसरी सिंपल सी मांग ये है कि जो इंटर्नशिप के स्टूडेंट होते हैं उनको भी पीएससी एग्ज़ाम देने का अवसर दिया जाए, क्योंकि अगर वो इंटर्नशिप करते करते अगर वैकेंसीज निकाली जाती हैं, पीएससी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आता है, तो वो एलिजिबल नहीं रहते और उनको अगले कई सालों के लिए बेरोजगार रहना पड़ता है। और हमारी चौथी और सिंपल सी मांग है कि जो हमारे इंटर्नशिप के स्टूडेंट होते हैं वो अपने क्लिनिक्स में ड्यूटी देते हैं, 10 से 5 डेली उनकी ड्यूटी होती है और उनका जो मानदेय है वो 4600 रुपये है। तो हम चाहते हैं कि उसको बढ़ाकर 20,000 किया जाए। और जो हमारे जो पीजी के स्टूडेंट्स होते हैं उनको अभी तक कोई मानदेय नहीं दिया जाता है हमारे मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो एनडीवीएस यूनिवर्सिटी है वो पीजी वालों को भी स्टाइफंड मानदेय देना शुरू किया जाए।